कोटा के शहर जिला पुलिस के वार्षिक निरीक्षण को लेकर एडीजी हेमंत प्रियदर्शी दो दिवसीय दौरे पर कोटा आए। इस दौरान पुलिस लाइन कोटा के परेड ग्राउंड में पुलिसकर्मियों ने उन्हें परेड के अनुशासन का परिचय दिया। एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने परेड की सलामी भी ली। परेड को कमांड सर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने किया। इस मौके पर एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने पुलिस उपाधीक्षकों और थानाधिकारियों की फिटनेस का हाल भी जाना। एडीजी ने पुलिस ऑफिसर ड्रिल का निरीक्षण किया, साथ ही महिला कमांडो ने सेल्फ डिफेंस का डेमोंस्ट्रेशन भी दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस जवानों के साथ संपर्क सभा की, जहां पुलिस जवानों से रूबरू होकर उनकी पीड़ा को जाना। पुलिस जवानों ने काम के घंटों आदि को लेकर एडीजी को अपने मन की बात साझा की। एडीजी प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस की विजिट भी की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर जिला क्राइम की मीटिंग भी ली। इसके बाद उन्होंने अभय कमांड सेंटर की विजिट की। बुधवार को एडीजी सीएलजी सदस्यों से रूबरू होंगे, साथ ही अभय महिला कमांड सेंटर के कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे और शहर के थानों की विजिट करेंगे। मैं वार्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया के तौर पर दो दिन के लिए कोटा शहर आया हूँ। कल शाम को आया था मैं, आज और कल, और ज़रूरी हुआ तो परसों में रुक के इंस्पेक्शन करूँगा। आज सुबह भी सेरेमनी परेड, स्क्वाड ड्रिल और महिला हमारे जो कांस्टेबल्स हैं उनका सेल्फ डिफेंस का डेमोंस्ट्रेशन देखा। कॉन्फिडेंस लेवल और प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस, आत्मविश्वास उच्च दर्जे का है। और अभी आगे फिर ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस की वर्किंग सारा काम देखेंगे। बट एसपी साहब की खुद के लीडरशिप में बहुत अच्छी तैयारी करी इन्होंने। तो निर्देश वगैरह सर अभी दो दिन के बाद कंक्लूड करेंगे, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे।